हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एफसी गोवा और केबीएफसी के बीच जो मैच हुआ उसके बारे में, नंबर वन और नंबर टू इस सीजन। पहले गोवा के बारे में बात करते हैं। गोवा आप हर सीजन देखेंगे, ये 10 सीजन में से अगर आप एक या दो सीजन छोड़ दें, मेरे ख्याल से एक सीजन, तो ये टीम बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है। हालांकि अब तक ISL टूर्नामेंट नहीं जीता है, अब तक ISL ट्रॉफी नहीं जीता है, पर इनका परफॉर्मेंस, गोवा का परफॉर्मेंस, गोवा का प्लेइंग स्टाइल बहुत ही सुपर्ब रहता है। गोवा जिस सीजन AFC चैंपियंस लीग खेला था, क्या परफॉर्मेंस किया था। हालांकि एक भी मैच उस ग्रुप में वो जीत नहीं पाए थे, पर क्या सुपर्ब परफॉर्मेंस रहा था। और गोवा का हर सीजन अब प्लेइंग स्टाइल देखेंगे, पासिंग, बिल्डअप फुटबॉल एंड अटैकिंग फुटबॉल। इस सीजन में भी अब तक जितना मैच खेला है सुपर परफॉर्मेंस किया है, 7 मैच 6 जीत 1 ड्रॉ 19 पॉइंट के साथ अभी टॉप में है। लास्ट सीजन इनका ISL थोड़ा सा खराब गया था, पर इस सीजन मैनोलो सर के अंडर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है अब तक। दूसरी तरफ केरला ब्लास्टर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका फैन बेस। उनका होम मैच देखिए, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी ग्राउंड में उतना क्रेज आपको नहीं दिखेगा। इस सीजन इनका परफॉर्मेंस अब तक अच्छा रहा है, सेकेंड स्पॉट पे है 9 मैच के साथ 17 पॉइंट। आज के मैच में भी दोनों टीम बराबर का फुटबॉल खेला है, दोनों टीम की तरफ से अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिला है। KBFC की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव फुटबॉल देखने को मिला है। 8 मिनट में पेपरा ने जो मिस किया, क्या बेहतरीन चांस मिला था उनको 1-1। उसके बाद गोवा के गोलकीपर अर्शदीप सिंह का कुछ बेहतरीन सेव, गोवा की तरफ से भी कुछ बहुत बेहतरीन मौका बनाया गया था। 13th मिनट में हर्मीपॉम ने जो विक्टर का शॉट बचाया, क्या बेहतरीन शॉट था वो। अगर वो हर्मीपॉम हेड नहीं लेते तो वो सियोर गोल था। फिर 19th मिनट में सचिन सुरेश का जो सेव, नोवा का राइट फुटेड शॉट, क्या बेहतरीन सेव था वो। इस मैच का इकलौता गोल रोलिन बोर्जेस से आया है, विक्टर रोड्रिगेज का सुपर फ्री किक से, सुपर प्लेसिंग, सुपर टाइमिंग, सुपर फिनिशिंग, वही इकलौता गोल इस मैच में आया है। इस सीजन गोवा ने अब तक जो फुटबॉल खेला है, मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट तक, टूर्नामेंट के लास्ट तक इस फुटबॉल को कंटिन्यू रखेंगे, एक बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिलेंगे गोवा की तरफ से। और एक स्टैट्स आपके लिए रखता हूं, लास्ट 31 मैच में केरला ब्लास्टर वो मैच कभी नहीं जीता जिस मैच में केरला ब्लास्टर पहले गोल कंसीड किया है, और इस मैच में भी वही हुआ है। KBFC आपने अब तक 9 मैच में जो इस सीजन में खेले हैं, कुछ मैच में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस परफॉर्मेंस को आप कंटिन्यू कर पाएंगे और अपने फैंस के लिए एक सुपर परफॉर्मेंस, एक ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस गिफ्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।